हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आर्ट कट्टा के इस यूट्यूब चैनल के मास्टर क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है संकल्प चित्र। संकल्प चित्र यानी डिजाइन। डिजाइन ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। डिजाइन इस सब्जेक्ट में अपने कल्पना शक्ति से अलग अलग शेप्स और एलिमेंट्स को एक साथ एक ही जगह पे दिए हुए आकार में एकत्रित संयोजन करना, इसी को ही डिजाइन कहते हैं। डिजाइन इस सब्जेक्ट में ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, नेचुरल फॉर्म, डेकोरेटिव फॉर्म्स का उपयोग किया जाता है। अब इनमें कौन कौन से फॉर्म्स आते हैं, आइए हम देखते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और हाफ सर्कल का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से नेचुरल फॉर्म्स में लीफ, फ्लावर, बटरफ्लाई, फ्रूट्स, फिश इत्यादि एलिमेंट्स का डिजाइन में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से नेचुरल फॉर्म को ही डेकोरेटिव बना के डिजाइन में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से लाइन में स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन का उपयोग किया जाता है। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट डिजाइन में कुछ फर्क दिखाई देता है, वो फर्क क्या है आइए हम देखते हैं। एलिमेंट्री डिजाइन इस सब्जेक्ट में एक साइज देके उसके अंदर ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, नेचुरल फॉर्म्स और डेकोरेटिव फॉर्म्स को एक के ऊपर एक ओवरलैप करके डिजाइन किया जाता है। और इंटरमीडिएट डिजाइन इस सब्जेक्ट में पर्स, टेबल लैम्प, फूलदानी, टी शर्ट इस प्रकार के विषयों को एक साइज देके उसके अंदर ज्योमेट्रिकल, नेचर और डेकोरेटिव फॉर्म्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके डिजाइन निकालना पड़ता है। डिजाइन चित्र निकालने के लिए यहां पे आपको बंधन नहीं है। इस सब्जेक्ट में आप कंपास बॉक्स, स्केल, ट्रेस पेपर का यूज कर सकते हो। डिजाइन इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले किसी आकार को डेकोरेटिव फॉर्म्स में कैसे बदला जाता है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ पेड़ के पत्तों के उदाहरण देखते हैं। अब हम कुछ फूलों के उदाहरण देखते हैं। अब हम कुछ बर्ड्स के उदाहरण देखते हैं। अब हम कुछ मछलियों के उदाहरण देखते हैं।
इस प्रकार से हम इन आकारों से डेकोरेटिव फॉर्म्स बना सकते हैं। अब हम किसी भी आकार को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके कैसी डिजाइन बनाई जा सकती है ये देखते हैं। इसके लिए एक 8x8 इंच का एक स्क्वायर निकालें। इस स्क्वायर को कागज के अनुसार सेंटर में निकालें। स्क्वायर निकालने के लिए आपको स्केल का ही उपयोग करना है। इस स्क्वायर में आपको दो लयदार रेखाएं, असमान आकार के दो ट्रायंगल, एक सर्कल, दो अलंकारिक आकार, फूल और पान, इन एलिमेंट्स की सहायता से डिजाइन बनाना है। सबसे पहले एक आकार निकालें। इसी आकार के ऊपर अगर दूसरा आकार इस तरह से ओवरलैप किया तो तीसरा एक और आकार हमें मिलेगा। इसी प्रकार ओवरलैपिंग से हम एक आकार से अनेक आकार बना सकते हैं। लेकिन डिजाइन में सुंदरता दिखने के लिए ज्यादा आकार भी ना निकालें। डिजाइन में कहीं कहीं पे कुछ ज्यादा स्पेस छूट जाती है तो उसका संतुलन रखने के लिए डिजाइन में कर्व, जिगजैग, हॉरिजेंटल, वर्टिकल इत्यादि लाइंस का हम उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम में जितने शेप और एलिमेंट्स दिए हैं उतने निकालना है, उसको कम या ज्यादा ना निकालें। तो दोस्तों आज यही रुकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकती है। और हाँ दोस्तों, आर्ट कट्टा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू के बेल पर क्लिक करें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने अपना नया वीडियो अपलोड किया है। तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर।